दूर के भविष्य में मानव विकास एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए एक विशाल आग के गोले की खोज प्रगति की शांति को चकनाचूर कर देती है। दूसरे सूर्य के समान यह आकाशीय घुसपैठिया विनाशकारी परिणाम लाता है। तीव्र गर्मी, घातक विकिरण और अप्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण बल अरबों लोगों की जान ले लेते हैं, जिससे मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। आसन तबाही को रोकने के लिए जीवित बचे लोगों का एक समूह एम्बर की स्थापना करता है, जो एक आत्मनिर्भर भूमिगत शहर है जिसे दोहरे सूर्य वाली पृथ्वी की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। सावधानी पूर्वक गणना किए गए संसाधनों और 200 साल की खाद्य आपूर्ति के साथ एम्बर मानवता का अंतिम आश्रय बन गया है। हालांकि बचे हुए लोग स्वीकार करते हैं कि सतह पर लौटने का एकमात्र मौका एक गुप्त मानचित्र द्वारा संरक्षित एक विशिष्ट पथ में है। समय पूर्व अन्वेषण को रोकने के लिए मानचित्र का विवरण 200 वर्षों में खुलने के लिए एक समयबद्ध सुरक्षित सेट में बंद कर दिया गया है। मानचित्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी एम्बर के प्रत्येक क्रमिक मेयर पर आती है। पीढ़ियों से चली आ रही तिजोरी और उसकी सामग्री विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जाति के लिए आशा और मुक्ति का प्रतीक बन गई है। फिर भी सावधानी पूर्वक योजना के बावजूद अप्रत्याशित घटित होता है जब वर्तमान मेयर के निधन के कारण तिजोरी को भुला दिया जाता है। जैसे जैसे 2 शताब्दियां बीतती हैं, तिजोरी कर्तव्य पूर्वक खुलती है और सतह तक का रास्ता खुल जाता है। हालांकि एम्बर के अनजान निवासियों द्वारा सामग्री को अनदेखा और अप्रयुक्त रखा गया है। शहर के निवासी उपेक्षित बक्से के भीतर मौजूद संभावित मुक्ति से बेखबर अपने भूमिगत अस्तित्व को जारी रखते हैं। एम्बर सिटी की सीमित दुनिया में एक आसन संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एकमात्र जनरेटर पतन के कगार पर है, जबकि राजकोष में घटती डिब्बाबंद खाद्य आपूर्ति अनिश्चितता की छाया डालती है। इस क्लस्ट्रोफोबिक सेटिंग के भीतर हम शहर की सामाजिक और कार्य संरचना की जटिलताओं में उतरते हैं। हाई स्कूल स्नातक होने पर एम्बर के युवाओं को एक यादृच्छिक नौकरी असाइनमेंट का सामना करना पड़ता है। कुछ मेल वाहक बन जाते हैं, अन्य खाद्य क्षेत्र में श्रम करते हैं और सबसे भाग्यशाली लोगों को महत्वपूर्ण जनरेटर को बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। दून में प्रवेश करें एक महत्वाकांक्षी युवक जो अपने मैकेनिक पिता की विरासत से प्रेरित है। जनरेटर की मरम्मत करने की इच्छा रखने वाले दून की उम्मीदें तब धराशायी हो जाती हैं जब उसे एक मेल वाहक की साधारण सी भूमिका सौंपी जाती है। निडर दून लीना का सबसे अच्छा दोस्त, जो एक मेल वाहक बनने का सपना देखता है, अपने पेशे में एक गुप्त अदला बदली की योजना बनाता है। लीना, जो अब शहर की पाइपलाइनों को संभाल रही है, अपनी मनोभ्रंश पीड़ित दादी को अपनी उत्तेजना बताती है, जिनके पास एक गुप्त मार्ग के बारे में ज्ञान के टुकड़े हैं। लीना के दिवंगत पिता को भी बाहर निकलने के रास्ते के बारे में संकेत थे, जो उनकी स्मृति में चलाए गए उनके गुप्त अंतिम आवाज संदेश द्वारा मान्य थे। जैसे ही लीना और दून अपनी बदली हुई भूमिकाओं की जटिलताओं को समझते हैं, आवाज संदेश एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो बाहरी दुनिया का अस्पष्ट वर्णन करता है। एम्बर सिटी में लीना और दून लीना की दादी के रहस्यमय संदेशों से बेखबर होकर अपनी अपनी नौकरी पर निकल पड़ते हैं। लीना खुशी खुशी पत्र वितरित करती है जब तक कि उसके पहले दिन अराजकता न फैल जाए। एक बेघर आदमी के शहर के निषिद्ध अंधेरे हिस्से में विशाल कीड़ों के दावों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लीना को एक विशाल बीटल हॉर्न जैसा एक रहस्यमय शरीर का हिस्सा मिलता है, जो प्रतीत होने वाली आधारहीन अफवाहों पर संदेह पैदा करता है। इसके साथ ही दून अनुभवी लेकिन क्रोधी शाउल के मार्गदर्शन में शहर की पाइपलाइनों में अपना काम शुरू करता है। पाइपों और स्पेयर पार्ट्स में सड़न को देखकर दून की उत्सुकता बढ़ गई है। शाउल, आसन बाढ़ से सावधान, दून को यथास्थिति को चुनौती देने के प्रति आगाह करता है और जोर देकर कहता है कि हर रास्ते का पता लगाया गया है। शाउल के हतोत्साहित होने के बावजूद दून अपने लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी खोज शुरू करता है। शाउल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए दून ने पाइपलाइन का नक्शा चुरा लिया और सुरंगों में घुस गया। भूल भुलैया के बीच उसकी नजर रहस्य में डूबे कक्ष 351 पर पड़ती है। इस बीच लीना और उसके दोस्त बेघर आदमी की चेतावनियों को बकवास कहकर खारिज कर देते हैं, इस बात से अनजान की बैरो का अनोखा उल्लेख एक अनकहा महत्व रखता है। जैसे ही लीना और दून के रास्ते आपस में जुड़ने लगते हैं, वे अनजाने में एम्बर सिटी के रहस्यों की गहराई में उतर जाते हैं। जैसे ही दून एम्बर सिटी के नीचे रहस्यमय सुरंगों में गहराई से प्रवेश करता है, उसकी जिज्ञासा एक अज्ञात और बंद कमरा 351 से बढ़ जाती है। अस्थायी रूप से अपनी साजिश को अलग करते हुए वह अंधेरे और भय में डूबी एक और रहस्यमय सुरंग का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है। किसी को भी पता नहीं, ये सुरंग उसे शहर की लगभग खाली खाद्य भंडारण इकाई तक ले जाती है।
अलोकप्रिय फूड गार्ड लूपर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके चोरी के पिछले आरोप अभी भी उसे परेशान करते हैं। दून खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाता है। इस बीच जनरेटर के अचानक बंद हो जाने से शहर में अफरा तफरी मच गई, जिससे एम्बर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। जबकि इंजीनियर अस्थायी सुधार का प्रयास करते हैं, निवासी आसन दीर्घकालिक ब्लैकआउट के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस उथल पुथल में लीना अपनी उन्मत्त दादी के पास घर लौटते हुए कोठरी में एक पुरानी तिजोरी पर ठोकर खाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके परदादा पूर्व मेयर तिजोरी का सामान सौंपे बिना ही गुजर गए। लीना अनिश्चित है कि इस नई खोज के साथ क्या किया जाए। वो रहस्यमय बॉक्स के महत्व से जूझती है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब लीना का सामना कुख्यात खाद्य रक्षक लूपर से होता है, जो उसे वर्तमान मेयर के लिए एक पत्र सौंपता है। मेयर की हवेली में लीना को छिपे हुए भोजन के डिब्बों से भरी एक दराज मिलती है और मेयर उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। एक तस्वीर में उसके परदादा उस बक्से को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो लीना को मिला था, जो एम्बर की छिपी सच्चाइयों से इसके संबंध के बारे में सवाल उठा रहा है। इसके बाद लीना का सामना मेयर से होता है और वो तस्वीरों में देखे गए बक्सों के बारे में पूछती है। जैसे ही शहर भोजन और दवा की कमी के पहले लक्षणों से जूझ रहा है, निवासी अपरिहार्य ब्लैकआउट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लीना ने अपने द्वारा खोजे गए बीटल हॉर्न को ड्यून के साथ साझा किया, जिससे उसे इसकी विशिष्टता को प्रमाणित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया गया। अपने पिता की विशेषज्ञता के बावजूद भरिंग का विशाल आकार एक पहेली बना हुआ है। ड्यून के पिता उससे बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा को शांत करने का आग्रह करते हुए उत्तर की तलाश में ड्यून छोड़ देते हैं। निडर होकर लीना ने लंबे समय से भूली हुई तिजोरी की सामग्री को ड्यून को बता दिया। अंदर उन्हें एक चमकदार कांच की प्लेट, कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा और रहस्यमय निशान मिले। फटे हुए पन्ने को जोड़कर वे शहर से बाहर जाने के रास्ते का विवरण देने वाले निर्देशों का अनावरण करते हैं। उन्हें प्रवेश बिंदु के रूप में बंद दरवाजे 351 का उपयोग करने का निर्देश देते हैं। खोज करने के लिए उत्सुक दोनों सुरंगों में उतरते हैं, लेकिन उनका सामना एक लंगड़ाते हुए आदमी से होता है जो भागने से पहले जल्दी से लंबे समय से विलुप्त हो चुके भोजन के डिब्बे गिरा देता है। उनकी जांच में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब एक विशाल तारा नाक वाला छछुंदर हमला करता है, जिससे उन्हें सुरंगों के माध्यम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अराजकता के बीच लीना को ड्यून के हेलमेट पर अपने पिता का नाम खुदा हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि वह वही कार्यकर्ता था जो पाइपलाइन में दुखद रूप से डूब गया था। ड्यून अपने पिता की मृत्यु की परिस्थितियों का खुलासा करता है, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो लीना को अंदर तक झकझोर देता है। घर लौटकर लीना अपनी चाची लेन से अपने पिता की मृत्यु के बारे में जवाब मांगती है। लेन ने परेशान करने वाले सच का खुलासा किया। लीना के पिता को शहर से बाहर जाने का रास्ता खोजने का जुनून था और उन्होंने सबसे छोटे रास्ते की सफलतापूर्वक पहचान कर ली थी। दुख की बात है कि इस खोज के अंतिम चरण में पाइपलाइनों के भीतर पानी की गहराई के कारण उनका अंत हो गया। लीना के पिता की दुखद मृत्यु के रहस्योद्घाटन ने उसे सदमे में डाल दिया और जैसे ही वह सच्चाई के बोझ से जूझ रही थी, उसने फूड गार्ड लूपर को सड़क पर लंगड़ाते हुए देखा। ये दृश्य सुरंगों में रहस्यमय ढंग से लंगड़ाते हुए आदमी की यादों को जन्म देता है, जो उसे तुरंत अपनी खोज को ड्यून के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। साथ में वे कमरा 351 का मायावी दरवाजा खोलने का निर्णय लेते हैं, जिससे एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। बंद दरवाजे के पीछे महापौर द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एकत्र की गई खाद्य आपूर्ति का एक भंडार है, जो उन्हें जीवन भर के लिए पर्याप्त है, जबकि एम्बर की बाकी आबादी भुखमरी का सामना कर रही है। उनकी गंभीर स्थिति की भयानक समानता लीना और ड्यून को अपने निष्कर्षों को अपने पास रखने के लिए प्रेरित करती है और बेखबर मेयर को न जगाने का विकल्प चुनती है। वे लीना के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उसके पिता की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। इस बार ड्यून ने बैरो नामक रहस्यमय व्यक्ति को अपने पिता के रूप में पहचाना। बैरो की ओर भागते हुए ड्यून सुरंगों और लीना के पिता के बारे में जवाब चाहता है। बैरो एक अंधेरे अतीत का खुलासा करता है, जहां वह और लीना के पिता बाहर निकलने के मिशन पर भागीदार थे। असफल खोज ने कई लोगों की जान ले ली और बैरो ने इसी तरह के दुखद भाग्य के डर से ड्यून से जानकारी छुपाने का फैसला किया। बैरो द्वारा उसे हतोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद ड्यून उस नक्शे और बॉक्स से लैस होकर अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ है, जिसकी उनके पूर्ववर्तियों के पास कमी थी। इस बीच लीना मेयर के स्वार्थी होर्डिंग को उजागर करने का प्रयास करती है, लेकिन वो इसमें फंस जाती है। जैसे ही वो परिणामों का सामना करती है, रोशनी रहस्यमय तरीके से बुझ जाती है, जिससे उसे मेयर का बैज चुराने और भागने के लिए एक खिड़की मिल जाती है।
लीना और ड्यून खुद को वांछित सूची में पाते हैं। एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। एक विशेष वाहन का उपयोग करते हुए वे चुराए गए मेयर के बैज और बॉक्स में पाए गए ग्लास से लैस होकर जनरेटर कक्ष की ओर दौड़ते हैं। संसाधनशीलता के साथ वे जनरेटर के प्रतीक वाली एक चाबी बनाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह कमरा 351 की चाबी है। हालांकि उनकी धारणाएं गलत साबित होती हैं। निर्देशों पर दोबारा गौर करने पर लीना को एक महत्वपूर्ण विवरण समझ में आया, उन्हें लॉकर के पीछे का निरीक्षण करना चाहिए। उन्हें आश्चर्य हुआ, एक गुप्त कक्ष का अनावरण हुआ जिसमें कई खाली लॉकर थे। इन रहस्यमय लॉकरों का उद्देश्य अज्ञात है, लेकिन निर्देश उन्हें एक पहिया दक्षिणावर्त घुमाने के लिए निर्देशित करते हैं। ये सरल क्रिया लॉकरों को संरेखित करती है जिससे वे जनरेटर कक्ष में फिसल जाते हैं, जिससे मशीनरी के एक विशाल टुकड़े से जुड़ी एक भूमिगत नदी का पता चलता है। लॉकर का असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, यह एक नाव है जिसे मनुष्यों को सतह तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि एक चुनौती सामने है, उन्हें नदी के मार्ग में बाधा डालने वाले एक विशाल पहिए के ऊपर जल स्तर बढ़ाना होगा। अगले निर्देश के बाद लीना और ड्यून आपातकालीन नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां मेयर का बैज कुंजी के रूप में अमूल्य साबित होता है। चैम्बर के अंदर लीवर और बटन इंतजार कर रहे हैं जो जटिल मशीनरी को नियंत्रित करते हैं। निर्देशानुसार पहिए को सक्रिय करते हुए वे पानी के स्तर को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जो सतह पर उनके लंबे समय से प्रतीक्षित आरोहण का कारण बन सकती है। जैसे ही लीना और ड्यून एम्बर के रहस्यों को उजागर करने की अपनी खोज पर निकलते हैं, उनके कार्य अनजाने में घटनाओं की एक विनाशकारी श्रृंखला को जन्म देते हैं। जल स्तर बढ़ाने के प्रयास से दबाव में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिससे शहर की रोशनी तेज हो जाती है और अंततः टूट जाती है। जब पाइपलाइनें टूटती हैं तो दहशत फैल जाती है, जिससे पूरा शहर विनाशकारी बाढ़ के कगार पर पहुंच जाता है। अराजकता के बीच मेयर अपने जलरोधक कक्ष में शरण लेता है, यह मानते हुए कि यह उसका उद्धार है। हालांकि कर्ण तेजी से हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उसे एक विशाल छछुंदर के साथ घातक मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है जिसका अंत गंभीर होता है। जैसे जैसे संकट सामने आता है, पाइपलाइन कर्मचारी शाओल एक अप्रत्याशित नायक के रूप में उभरता है जो खतरे को झेलते हुए उस पहिए को ठीक करता है जो तबाही को टालने की क्षमता रखता है। शाओल के साहसी प्रयास पहिए को बहाल करने में सफल रहे, लेकिन इस कार्य के लिए उसे लगातार लीवर को पकड़ना पड़ता है, जिससे वह अत्यधिक खतरे में पड़ जाता है। स्थिति की भयावहता को पहचानते हुए शाओल ने शहर के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सुरक्षा का त्याग कर दिया। पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ड्यून को अनिच्छा से शाओल को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर निकलने की तलाश में आगे बढ़ता है। लीना, ड्यून और उसकी छोटी बहन खुद को लॉकर नाव पर पाते हैं, जो बहाल पहिए द्वारा छोड़ी गई एक विशाल लहर से ऊपर की ओर बढ़ती है। अंधेरी और भयावह सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से नेविगेट करते हुए वे आशा से चिपके रहते हैं, भले ही निराशा उन्हें घेरने की धमकी देती है। यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेती है जब उन्हें एक तीव्र ढलान का सामना करना पड़ता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के उनके दृढ़ संकल्प का परीक्षण करती है। लीना और ड्यून की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वे अंधेरी सुरंगों से एक शांत तालाब में निकलते हैं। कुछ मीटर की दूरी पर एक चमकीला दरवाजा इशारा करता है जो उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित पृथ्वी की सतह पर ले जाता है। हालांकि उनकी प्रारंभिक खुशी इस धारणा से कम हो जाती है कि बाहरी दुनिया एम्बर के भीतर उनके द्वारा सहे गए शाश्वत अंधकार को प्रतिबिंबित करती है। उनके आश्चर्य के लिए दोनों को अपने पहले सूर्योदय का अनुभव होता है, प्रकाश का एक चकाचौंध प्रदर्शन जो उन्हें क्षण भर के लिए अंधा कर देता है, लेकिन उनके दिलों को अद्वितीय खुशी से भर देता है। एक बार उजाड़ भूमि अब मेहमान नवाज है, जो उन्हें एम्बर की सीमाओं से परे एक पूर्ण जीवन का वादा प्रदान करती है। एक जिज्ञासु पक्षी द्वारा निर्देशित लीना, ड्यून और लीना की छोटी बहन एक गहरे छेद पर ठोकर खाते हैं जो ऊपर से एम्बर सिटी का एक मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। नीचे मौजूद लोगों के साथ संवाद करने के लिए बेताब, वे मानचित्र और अपने हार्दिक संदेशों को एक चट्टान से बांधते हैं और उसे खाई में फेंक देते हैं। भाग्य के एक झटके के रूप में ड्यून के पिता ने संदेश को पकड़ लिया और पूरा शहर एक आसन्न आपदा से बच गया। हालांकि चुनौती बनी हुई है, लीना, ड्यून और अन्य लोग गहराई से कैसे बाहर निकलेंगे और अपनी प्रतीक्षा कर रही नई स्वतंत्रता को कैसे अपनाएंगे,